चौथ माता बोली, तू तो बहुत भूखी है, सात भाइयों की प्यारी बहन है, सुहाग का तेरे लिए क्या काम। वो बोली, माता मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। चौथ माता ने एक एक करके उससे सुहाग का सारा सामान मांगा और उसने 16 श्रृंगार का सारा सामान चौथ माता को दे दिया। चौथ माता ने आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली, मांग से सिंदूर निकाला और उसे करवे में घोलकर छोटी उंगली से उसके पति को छींटा दिया। छींटा देते ही उसका पति जीवित हो गया और चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल बन गई, उसका पति जीवित हो गया। जब छोटी ननद खाना लेकर आई तो देखा भाभी की झोपड़ी की जगह एक महल खड़ा है। ननद को देखते ही वो दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और बोली, भाई साहब देखो आपका भाई वापस आ गया, जाओ सासू जी से कह दो गाजे बाजे से हमें लेने आए। छोटी ननद दौड़ी दौड़ी माँ के पास गई और बोली, माँ माँ भाई जिंदा हो गया।